तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सांप पकड़ने वाले की जो कि भारत देश के नई दुनिया के बहुत ही मशहूर सांप पकड़ने वाले जो कि है मुरली वाले हौसला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि मुरली वाले हौसला जो कि बहुत बड़े भारत देश के सांप पकड़ने वाले, उनका एक कल वीडियो आया था जो कि किंग कोबरा पकड़ते हुए यानी रेस्क्यू करते हुए। तो वो किंग कोबरा कहाँ से पकड़े, कहाँ से नहीं पकड़े और पकड़े तो एक घर में दो कैसे किंग कोबरा आए, इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको दूंगा। और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जो कि बापीदा सर और मुरली वाले हौसला के बारे में, तो वो भी वीडियो क्लिप आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुरली वाले हौसला जो कि भारत देश के सबसे जाने माने एक्सपर्ट है और सांप पकड़ने वाले, मुरली वाले हौसला जो कि भारत देश के सबसे जाने माने सांप पकड़ने वाले हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि कल एक वीडियो आई थी जो कि किंग कोबरा के बारे में थी। तो एक घर से दो किंग कोबरा सांप रेस्क्यू किए यानी पकड़े गए। तो दोस्तों ये बात सही है कि एक घर से दो किंग कोबरा निकल सकते है। तो दोस्तों ये इस बात की सच्चाई में इस वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये बात सरासर गलत है क्योंकि मुरली वाले हौसला जो सर है इस सांप रेस्क्यू का काम एक बिजनेस के तौर पे कर रहे, क्योंकि इनको कुल मिला के चैनल पर व्यू लाना है और लाइक और शेयर करवाना है और सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़वाना है, क्योंकि ये इनका बिजनेस जैसा बिजनेस हो गया। ये तो हमारे जैसे को कहीं पे ना कहीं बड़े लोगों को या बने रेस्क्यूर को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने के लिए ऐसा करते है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को नीचे दिखाना है या किसी की बुराई करनी। तो दोस्तों इस वीडियो से किसी को हानि पहुंचाना है या उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो इस वीडियो का आप गलत कमेंट ना करें। तो दोस्तों अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मुरली वाले हौसला का क्या एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग है जो कि बापीदा सर और जिसके घर से दो कल किंग कोबरा सांप पकड़े गए थे, तो उसकी घर वाले ने क्या रिकॉर्डिंग बनाई और बापीदा सर ने क्या उससे बात की। तो पहला आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हम मिलते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। तो मेरे को एक बार दीजिएगा। हाँ। मैं अभी तक वो किंग कोबरा हाथ में हाथ नहीं लगाया है, पकड़ा नहीं है। सुन, वो इसलिए वो उनका साथ आया था, उनका पास मिर्जा के पास आया था। हाँ। हमारा घर को इधर सांप छोड़ने के लिए मिर्जा ही जा रहे थे। हाँ। तो किंग कोबरा को पकड़ के तो उनको जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे। हाँ। समझे कि नहीं। हाँ। थोड़ा पकड़ के मैंने आपके आपके घर में छोड़ के वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाया था हमको, इसीलिए 3,000 रुपया दिया था। तो 3,000 से 3,000 सिर्फ। हाँ, हमको बोला कि आपको 3,000 रुपया देंगे। हाँ। ज्यादा बोले थे। हाँ। 5,000 रुपया देंगे, हमको एक बार को दीजिए, मौका दीजिए आपके घर में सांप को छोड़ के। हाँ। फिर पकड़ के बनाऊंगा। जी 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 जी। हाँ। वो देखिए मेरा वास दुख की बात है। ये था मेरा वाइफ था। जी जी। मेरा डॉक्टर था। जी। और पड़ोसी का मेरे एक बहन वो भी। हाँ। चलिए बहुत 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 ये अच्छी बात है कि, लेकिन बात यह है कि ये इसके चलते जो ये नहीं कि सांप को भी हरास हो रहा और वे गंजाम में दो किंग कोबरा को एक ही घर में छोड़ के वो वीडियो बनाया है। तो वो सोचता है कि वो एक ही आदमी है इंडिया में। हाँ। तो सांप को पकड़ेगा और कोई नहीं पकड़ेगा, समझे। तो अभी देखिए किसी का घर में जाके 20,000 रुपया दे के वीडियो बना, किसी का 30,000 रुपया दे रहे हैं। तो बात है पैसा का, बात नहीं है, बात हरे सांप को भी हरे सोरा और इसके कारण दूसरे जो स्नेक सवार है वो लोग बदनाम हो रहे हैं, वो लोग जो है मतलब वो लोग तो सही बात है, सही बात है, उसको पकड़ा देना चाहिए। चलिए ठीक है, सब मिलके पकड़ा देना चाहिए। हाँ तो जो उसको फिर देखिए बात ये है, हमसे दुख नहीं है, चूंकि आप रेस्क्यू कीजिए, सांप को बचाइए, लेकिन इस तरह फ्रॉडबाजी फेक वीडियो आपको बनाने का क्या आवश्यकता। मैं आपके घर आ रहा हूँ, उड़ीसा आ रहा हूँ और जहाँ पर वो वीडियो बनाया था। हाँ सर, ऐसे काम करके दूसरा को बदनाम करना है तो ठीक नहीं है। मैं एकदम सही नहीं, बात सही है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको। सर सर आप उड़ीसा का किस जगह से बोल रहे, कौन गांव है आपका, गांव का नाम? सौरव पाखरे। सौरव पाखरे। सौरव सर आपका नाम, सर आपका आपका नाम क्या है सर? प्रफुल्ल कुमार जाना ब्लॉक रे मोर घर ओपरा ब्लॉक पाखरे घर सौरव ठार 20 किलोमीटर दूर मोर घर। गांव 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 का नाम कौन आपका आपका गांव? कमरपाल। कमरपाल। हाँ
मुरली वाला भाई भाई जी जहाँ पर वीडियो जहाँ पर सांप छोड़ के वीडियो बनाया था मैं उसका बना हुआ है ना। तो दोस्तों आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि जो वो शख्स है जिनके घर में कोबरा सांप आया था यानी किंग कोबरा सांप आया था, तो उस घर के वो जो मालिक है उन्होंने बापिटा सर से क्या कहा, जो कि मुरली वाले सर हमारे घर पे आए थे और बोले कि पहले आप हमको आपके घर में सांप छोड़ने दो क्योंकि तो सांप था किंग कोबरा। तो मुरली वाले हौसला सर ने क्या कहा कि मैं आपके घर में एक सांप छोड़ूंगा जो कि था किंग कोबरा, और उसके बाद आपको जितना भी पैसा चाहिए 2,000-3,000 मैं आपको देने के लिए मंजूर। और जो वो घर मालिक है उन्होंने भी हाँ कर, और उसके बाद वो किंग कोबरा सांप वहाँ पर छोड़ दिए गए और बाद में रेस्क्यू यानी पकड़े गए और मुरली वाले सर ने उनको 3,000 रुपये नकद दिए जो कि कैश थे। तो दोस्तों ये करना सही है कि गलत के एक वीडियो बनाने के लिए और थोड़े से फॉलोवर और व्यूज के लिए किसी सांप को कष्ट करना सही है या गलत आप अपनी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।